दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम लोग इसमें भी दो चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तो आइए देखते हैं, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसी पर ही डिस्कशन। ठीक है, एक मिनट देखिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ बोला गया तंतु से वस्त्र तक कि जो तंतु है, ठीक है, तंतु सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी किसी भी धागे की, किसी भी जो है मतलब जिससे वस्त्र बना रहे हैं, धागे से बना रहे हैं या जिससे भी बना रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, तंतु हो जाएगी। अब जैसे कि लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के कपड़े पहनते रहते हैं, कुछ लोग ऊनी पहनते हैं, कुछ लोग सूती पहनते हैं, कुछ लोग महीन, कुछ लोग मोटा, इस तरीके से पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। तो इस तरीके के भी कपड़े अलग अलग तरीके के लोग पहनते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली हमें ये देखना है कि तंतु के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। आपने थ्रेड देखा होगा, धागा देखा होगा, उसमें एक पतला सा एक जो है मतलब धागा जो है वो बहुत ही पतली सी एक लड़ी जैसा होता है, लेकिन जब आप उसको सुई में या किसी भी चीज़ में डालेंगे तो आप देखेंगे वो और भी छोटे छोटे रेशों से मिलकर के बना हुआ है। तो इन्हीं जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि ऐसे तंतु जो पौधे या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक तंतु। तो आपके क्या हो जाएंगे, सूती, रेशमी, जूट और ऊनी। सूत कपास से और रेशमी सूत रेशम के कीटों से, और ऊन भेड़ से या ऊंट बकरी से, मतलब ऊन जो है वो भेड़, ऊंट, बकरी से आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बांस से भी तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये सब किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक तंतु में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हज़ारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे, पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके जिसके स्रोत पौधे व जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इनको किस में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ पादप तंतु जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रुई के बारे में। ठीक है, रुई कैसे बनती है, इस रुई का उपयोग, अब ये जो रुई है इसका पहले उपयोग कहाँ किया जाता है, गद्दों में, रसाइयों में, तकियों में इनका जो है भरा जाता है। ठीक है, रुई जो है वो बनती किससे है, कपास के तंतुओं से रुई बनी होती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली या जलवायु गर्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर पूछी जाती है कि जो है कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, किस मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो मिट्टी कैसी होगी, काली, और जलवायु कैसी होगी, गर्म। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे कपास है वो पहले प्राप्त किससे होता है, तो पहले देखिए कपास का बनता क्या है, कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा राइटिंग पे मतलब ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती होती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण राज्य की बात की गई है, महाराष्ट्र ये इसका जो है मेन स्रोत है कपास की खेती का। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पश्चिम निमाड़ क्षेत्र जो होता है वहाँ पे भी कपास की खेती होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है कपास के जो फूल हैं वो पहले क्या होता है कि कपास के फूल जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देते हैं। अब चूंकि आप देख रहे होते हैं कि वाइट कलर के जो है हर जगह वाइट वाइट ही, सब जगह जब ये फ्लावर जो है पूरी तरीके से खिल जाते हैं तो ये दिखते हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कपास गोलक बोलते हैं। अब आगे क्या किया जाता है, साधारणतः पौधों से कपास को हाथ से चुना जाता है, नॉर्मली तो हाथ से चुना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाद में बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनोले से अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंटली देख लीजिए, किसको ओटना कहते हैं, ये जो कपास के गोलों से मतलब कपास को या बिनोले से अलग किया जाता है, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कपास का ओटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा नेचुरल जो यहाँ पे तंतु है वो है प्राकृतिक तंतु जूट, या इसी को पटसन बोलते हैं। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे प्राप्त किया जाता है, तने से। अब भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु में पहले तो इसकी खेती की जाती है, भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसको मतलब इसकी खेती होती है, ये इसे उगाया जाता है। बिहार की कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। ठीक है,
जब पौधों में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ जगहें बता दी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमें ये जो जूट पटसन है वो मिलता कैसे है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब पौधों में फूल आने लगते हैं तो उन्हें काट लिया जाता है पौधों को। कुछ दिनों तक इनके तने को पानी, क्योंकि हमें तने से ही रेशे मिल रहे हैं ना, इसलिए तने को क्या किया जाता है, पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जाए। उसके बाद पानी में पटक पटक कर इसकी धुलाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब इनकी धुलाई होगी, सारे रेशे अलग हो गए, तो अब वस्त्र बनाने के लिए इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर जो महीन महीन एकदम तंतु मिलते हैं, फिर उनको धागों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सूती जो धागे होते हैं, सूती धागे की कताई कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, पहले तो कताई कहते किसे हैं, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम कताई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सूती कपड़े की बात हो रही थी, तो कताई के लिए पहले तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में भी देख लें। कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है, तकली एक इंस्ट्रूमेंट है, हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति जिसे हम चरखा कहते हैं, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और इस चरखे का प्रयोग हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता इस चरखे के रूप में प्रदान की थी, ठीक है। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो ये चरखे हैं और ये जो तकली है, इन सबसे जो है धागों की मतलब बुनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, सूती धागे की कताई कैसे की जाती है, तो ये इस तरीके से रेशे से धागा बनाया जाता है, ठीक है। ये तकली दिखाई गई और ये है चरखा। अच्छा, अब आगे देखिए, कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जब धागे पूरी तरीके से बन जाते हैं, अब इन धागों का प्रयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र को बनाने में किया जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे धागे से वस्त्र तक, क्योंकि हमने धागा तो बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद धागे से वस्त्र तक में क्या है, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। इनमें दो प्रमुख विधियाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं बुनाई और बंधाई, ठीक है। ये दो प्रमुख विधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बुनाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये दिखाया गया, यहाँ पे आपको चटाई भी दिख रही है कि किस तरीके से ये बुनी गई है। एक के ऊपर एक लेयर, मतलब दो तीन पट्टियाँ ले ली जाती हैं, फिर उनको अल्टरनेट करके एक दूसरे के ऊपर रख करके, मतलब उसको एक इस तरीके का शेप बना करके बुनाई की जाती है। चटाई हो या फिर कोई डलिया हो, कुछ भी यहाँ पे मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। चूँकि यहाँ पे हम बुनाई की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट की भी बात होगी, तो यहाँ पे जो करघे हैं ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है बुनाई के लिए। करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं या फिर मशीन या बिजली से चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा है बंधाई। बंधाई क्या होती है, बंधाई में क्या होता है कि बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम लोग ने जो ऊपर देखा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो बुनाई थी इसमें कई सारे, अगर हम जो है चटाई की बात करें तो कई सारे स्ट्रिप या फिर कई सारे धागे लिए गए थे, मतलब एटलीस्ट दो तो होंगे ही, ठीक है, दो दो का जोड़ा होगा, तो उनको अल्टरनेट करके जो है एक मतलब कि एक बुना जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे बंधाई की अगर बात करें तो इसमें एकल धागा, एक ही धागा जो है यूज़ किया जाता है, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे स्वेटर वगैरह है, उसके अगर एक धागा आप खींचेंगे तो वो पूरा खुलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किससे बना होता है, एक ही धागे से बना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मोज़े हैं और बहुत से ऐसे वस्त्र जो बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो एकल धागे से ही उनको बुन दिया, मतलब बंधाई से उनको बनाया जाता है। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है, ठीक है। तो मतलब इनको हाथों से भी किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ स्वेटर हम लोग के घरों में भी जो है मम्मी लोग हाथों से बुनती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया कि बंधाई के बारे में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वस्त्रों का इतिहास दिखाया गया है कि आखिर ये जो वस्त्र हैं इनकी स्टार्टिंग, इनके पहनने की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ तथा जंतुओं के चमड़े को अपने चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है, स्टार्टिंग तो यहाँ से होती थी। इसके अलावा थोड़ा जब और आगे बढ़े होंगे तो फिर उसके बाद मतलब टोकरी बनाना या फिर मतलब कृषि का जैसे ही विकास हुआ, तो कृषि के विकास के बाद फिर धीरे धीरे तंतु या इन सब का, इन सब से मतलब कि मतलब डोरियां वगैरह जो हैं इन सब से टोकरी बनने लग गई, ठीक है, चटाइयां बनने लग गई, ये सब होने लग गया। अब पुराने ज़माने में भारतवासी रुई के वस्त्र पहनते थे, ठीक है, पहले के समय में जो लोग होते थे। अब यहाँ पे देखिए,
जिस प्रकार पूरे देश में भोजन की अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता मिलती है। क्योंकि आपने यहाँ पे पैटर्न भी देखा कि अलग अलग वस्त्र अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कलरफुल वस्त्र भी पहनते हैं, और जैसे कि पहले मतलब जब सुई का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग ऐसे लपेट करके ही जो है कपड़ों का यूज़ करते थे। जैसे यहाँ बताया कि पुराने ज़माने में भारतवासी रुई के ही वस्त्र पहनते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब जो है सुई का आविष्कार हो गया तो उसके बाद फिर लोग सिल करके जो है बनने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जो है सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया तो और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो आज भी आप कुछ ऐसे कपड़े देखेंगे जिनको हम लपेट करके, सिर्फ उन कपड़ों को लपेट करके ही उनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे धोती, लुंगी, गच्छा, चादर, शॉल, दुपट्टा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है हमारा फोर्थ चैप्टर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, अलग अलग तरीके के यहाँ पे हम पदार्थों, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने कपड़े वस्त्रों का देखा, पहले तंतु से लेकर वस्त्र तक पहुँचे, इसके बाद अलग अलग प्रकार के जो है वस्त्र यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखिए एक तालिका दी गई है जिसमें पहले ही बताया गया है कि कुछ यहाँ पदार्थ दे दिए गए, ठीक है। ये पूछ लिया गया है कि ये पदार्थ किससे बने होंगे, तो जनरली आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा इस तरीके के पदार्थों को, तो थोड़ी बहुत तो इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि ग्लास है, वो पूछा गया है कि किन पदार्थों से बनी हुई है। तो जो ग्लास होते हैं वो आप मोस्टली अगर आप ग्लास देखेंगे तो आपको कांच मिलेंगे, लेकिन कांच के अलावा आपको स्टील के भी ग्लास मिलेंगे, प्लास्टिक के भी ग्लास मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्योंकि बताया गया कि इन पदार्थों से मिलते हैं तो सभी की वैरायटी दे सकते हैं। पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक मोस्टली किसकी बनती है, जो है ये कागज़ की बनेगी, ठीक है, कागज़ या दफ्ती इन सब का यूज़ किया जाता है। कुर्सी जो होती है, कुर्सी प्लास्टिक की भी बनती है, लकड़ी की भी बनती है, ठीक है। तो अलग अलग मतलब धातुओं की भी बन सकती है, तो इस तरीके से मतलब मेनली जो है वो प्लास्टिक और उसकी बनेगी, लकड़ी की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ धातुओं के बारे में बताया गया है। कुछ वस्तुएं धातु से बनी होती हैं तो कुछ प्लास्टिक से बनी होती हैं, तो इनको यहाँ पे तालिका में जो है बताना है कि धातु से बनने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। अभी इससे पहले हम लोग को वस्तुएं दी गई थी, हमें ये बताना था किससे बन रही हैं। अब यहाँ पे धातु दी गई है, अब हमें ये बताना है इस धातु से कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला दिया गया धातु से बनी, धातु से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। अगर धातु के रूप में हम देखें तो हमारा जो है सोना हो गया, ठीक है। तो सोना हो गया, इससे क्या बनता है कि मतलब जो जेवर वगैरह होते हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सोना चांदी से तो जो है गहने बन जाएंगे, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है उसके बर्तन बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी धातु की आपकी जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, कि धातु से कई सारे बर्तन या फिर कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपके बन रहे हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से जो है खिलौने बनते हैं, ठीक है, कुर्सी बनती है, टब बनता है, ठीक है, और प्लास्टिक की चेयर्स भी बनती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके प्लास्टिक के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे यही है कि पदार्थों के गुण में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम कठोरता। अब कठोरता को कैसे जांचा जा सकता है, तो देखिए वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं वो कोमल पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें आसानी से दबाए या खरोचा जा सकता है। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वे कठोर कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, बताइए रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर है या कोमल है, ठीक है। तो अगर हम देखें रुई और स्पंज तो भाई कोमल हो गया, लेकिन लकड़ी जो है वो यहाँ पे कठोर भी होती है, ठीक है, कठोर भी क्या मतलब कठोर ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे गुण है चमक, ठीक है। तो चमक में यहाँ पे देखिए पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है, मतलब जैसे अगर पदार्थों को साइड से काट दिया जाए या उसे घिस दिया जाए तो वो उनकी जो पदार्थ हैं उनकी साइड्स जो है वो चमकने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि इस प्रकार की जो चमक अगर किसी भी पदार्थ में है तो ऐसे पदार्थों को हम धातु कहते हैं, यानी धातुओं में चमक होती है, ठीक है। अब लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, ये सब क्या हैं, धातुओं के उदाहरण हो गए, ठीक है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, कुछ ऐसी धातु होती हैं जो अपनी चमक खो देती हैं, वो कैसा होता है, ऐसे उन पर वायु या नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। आपने देखा होगा कि लोहा है, ठीक है, अब लोहे को अगर हम जो है पानी में या खुले स्थानों पर रख दें तो वायु की उपस्थिति में उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, पानी से रिएक्शन करके वायु से मतलब वायु की उपस्थिति में उसमें जंग लग जाता है तो उसकी चमक वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये जो अगर मेनली हमें धातुओं की चमक देखनी है तो सिंपली हम उन्हें ताज़ा कट करेंगे तो हमें वहाँ पे इनकी चमक को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे गुण है घुलनशीलता। घुलनशीलता को आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे पाउडर दिए गए हैं, शक्कर दिया गया है, मतलब चार ग्लास ले लिए गए हैं, शक्कर, रेत और नमक और चौक का चोल दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इस तालिका के
आधार पर, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ, जैसे यहाँ पे कुछ पदार्थ तीन चार लिए गए थे जो कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। कुछ पदार्थ में पूर्णता, मतलब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में पूर्णता विलीन हो गए अर्थात घुल गए हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये पदार्थ जो जल में विलेय यानी घुलनशील हैं, ठीक है, तो इस मतलब जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उनको हम जल में विलेय कहेंगे यानी घुलनशील कहेंगे। जैसे कि अभी आप इसको पूरे को ही देख लीजिए, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम अविलेय या अघुलनशील कहते हैं। अब जल में कई पदार्थों को घुलने की क्षमता होती है, जल जो होता है वो कई पदार्थों को घोलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम जल को इस स्थिति में घोलक या फिर विलायक कहेंगे। तो आपको यहाँ पर तीन टर्म मिले, विलेय, अविलेय और विलायक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, आपके हाथ में तैलीय पेंट या अलग तारा लग जाए तो इसे आप केरोसिन के तेल से साफ़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि मोस्टली आपको विलेय चीज़ें किसमें मिल रही हैं, मतलब जो भी पदार्थ अभी आपको मिले हैं वो किसमें जल में घुल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब कि किसी अन्य जल के अलावा भी कुछ अन्य पदार्थ जो होते हैं उनसे घुल जाते हैं या उनसे जो है मतलब उनको साफ़ किया जा सकता है। घुल जाएंगे तो साफ़ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पेंट वगैरह होता है, पेंट है या फिर कुलतार है या फिर यहाँ पर अलग तारा अलग तरह का बताया गया है, ठीक है। ये सब क्या है, केरोसिन यानी मिट्टी का जो तेल होता है इससे हम इनको जो है अगर हाथ में लग गया है, कपड़े में लग गया तो हम इनसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से पदार्थ जो जल में घुलनशील हैं इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोग चूँकि अभी यहाँ पे देख रहे थे कि मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इस वजह से हमारे बॉडी में जो जल होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि बहुत सारे ऐसे जो है पदार्थ हैं जिनको अपने में मतलब इसको विलेय कर देता है, तो जो चीज़ जल में घुल जाएगी तो आसानी से जो जल है वो जो बॉडी है वो उसके सभी पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि उन पदार्थों की हर जगह पूरे शरीर में उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। अब इस तालिका में हम ये घुले, अविलेय और विलेय के जो एग्जांपल हैं इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पदार्थ का नाम दिया गया है और वो बोला गया है कि वो घुलता है कि नहीं घुलता है। तो देखिए यहाँ पे जो शक्कर है वो आप अगर पानी में घोलेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर घोलने के बाद वो घुल जाती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे घुल जाती है। लेकिन अगर रेत को अगर पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगी, ठीक है। नमक जो है वो घुल जाएगा, चौक जो है वो नहीं घुलेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो घुल गए उनको विलेय बोला गया, कुछ ऐसे पदार्थ थे जो नहीं घुले उनको अविलेय बोला गया, और किसने घोला, जल ने घोला, इसलिए उसको विलायक बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे गुण दिया गया है कि कोई भी पदार्थ कितना घुलता है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं पर गर्म करने पर ये ज़्यादा घुलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे पदार्थों को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब अगर पानी की एक निश्चित मात्रा है इसको हमें पता लगाना है कि कोई पदार्थ इसमें कितना घुल सकता है। तो इसे ये जो पैटर्न है इसी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। इन घोलों को हम संतृप्त घोल कहते हैं, यानी ऐसे घोल जो अपने अंदर विलेय पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा घोल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त, या ऐसे जो घोल होते हैं उनको हम संतृप्त घोल कहते हैं, ठीक है। अब गर्म करने पर किसी घोल यानी विलयन में घुले पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे क्या लेंगे, शक्कर ले लें, शक्कर को आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आपने किसी जितना भी पानी लिया था उसमें आपने घोला, घुलने के बाद आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर वो तो घुल गया, लेकिन अगर हम उसी में ही ठंडा पानी डाल दें, जैसे पदार्थ में यही हम बता रहे हैं कि हमने शक्कर लिया है, ठीक है, ठंडा जल डालेंगे तो उसका पानी जो है शरबत आप घोलें, ठंडा जल डालें तो वो घुलना बंद हो जाती है, लेकिन वही अगर रूम टेम्परेचर या गर्म जल डालें तो वो और भी ज़्यादा घुलने लग जाएगी। तो यहाँ पर मेनली क्या है, ठंडा जल डाला तो वो घुलना बंद हो गई, लेकिन हमने रूम टेम्परेचर पर जब उसे घोला तो जितनी उसकी क्षमता थी वो उतनी घुली। एक स्थिति ऐसी है कि जब वो घुलना कुछ मतलब शक्कर के कण जो है वो बचे रह गए, यानी घुलना बंद हो गए, ठीक है। लेकिन जब हमने उस जो विलयन था उसको हमने जैसे ही गर्म किया तो वो जो कण जो नीचे इकट्ठा हुए थे वो तुरंत घुल गए, यानी कहने का है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर तुरंत घुल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ गैसें भी जल में घुलनशील होती हैं परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। अब यहाँ पे गैसों की बात भी की गई है कि वो जल में घुलनशील होती हैं, लेकिन ऐसी कुछ गैसें होती हैं जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो उनकी घुलनशीलता घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे हेडिंग है कि गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णता मिश्रित होते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं,
कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो यहाँ पे विलेय और अविलेय की, यहाँ पे जो मतलब पदार्थ हैं, मिश्रित पदार्थ हैं, उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है, कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। द्रव की बात हो रही है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे विलेय पदार्थ थे वो कैसे थे, ठोस थे, ठीक है। उनको घोला जा रहा था, शक्कर नमक ये सब ठोस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब द्रव हैं जो कि जल में घुल रहे हैं, तो द्रवों को जल में जो घोला जा रहा है उसमें कुछ जो होते हैं वो घुल जाते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं वो नहीं घुलते हैं, और थोड़ी देर बाद वो अपनी परत बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरका, ठीक है, सिरका भली भांति मिश्रित होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, ठीक है। नींबू का रस भी जो है भली भांति मिश्रित होता है। सरसों का तेल जो होता है ये मिश्रित नहीं होता, और ये अपनी एक अलग लेयर बना लेता है। नारियल का तेल भी सेम, ठीक है, मिश्रित नहीं होता, अपनी एक अलग लेयर बना लेता है। और केरोसिन का तेल भी, तो जितनी भी फैट वाली जो चीज़ें होती हैं वो मेनली जो है वो जल में नहीं घुलती हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ गैसें जल में घुलनशील है जबकि अन्य नहीं है। कुछ गैसों के मामले में यही बात है, ठीक है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी घुलनशीलता घट जाती है। तो वहाँ पे क्या दिया गया, ऑक्सीजन की यहाँ पे घुलनशीलता की बात करी जा रही है। अगर हम गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता देखेंगे तो वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जल में जो है ऑक्सीजन विलेय होती है, गर्म करने पर इसकी विलेयता घट जाती है। विलेयता मतलब वही घुलनशीलता जो है वो घट जाती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे गुण है, पारदर्शिता। तो यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं, या कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे देखने पर हमें अस्पष्ट या धुंधली वो दिखाई देती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। तो ये जो पारदर्शी या पारदर्शी और पारभासी हैं, इनके एग्जांपल भी यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अगर आप पारदर्शी की बात करेंगे तो कोई शीशा अगर आप लें, ठीक है, तो शीशे में आप क्या देखेंगे कि आपका जो फेस है वो आर पार, अगर शीशे के बीच में ये सॉरी बैक साइड में जो है पेंट नहीं किया गया है तो आपका आर पार दिखाई देगा। शीशे का ग्लास है या प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ये सारे हो जाएंगे एग्जांपल, ठीक है। अपारदर्शी की अगर बात करें तो आपकी बुक, ठीक है, तो अपारदर्शी में आपकी बुक आ जाएगी जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। कुछ ऐसे जो होंगे जिसमें जो है मतलब पारभासी होते हैं, जैसे कि आपका जो है टॉर्च हो जाएगा जिसको आप अगर आप हाथ पे लगाएंगे तो आप मतलब आर पार रोशनी जाएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ इसके अंदर है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर जो है मतलब आप देख सकते हैं कि वो घी लगा हुआ या कोई ऐसा पेपर है जिसमें कुछ घी वगैरह या तेल के कुछ अणु हैं, ठीक है, तो आप उसमें देख आपको लगेगा कि उस पार कोई है लेकिन असल में मतलब कि क्लियरली नहीं होगा वो, ठीक है। एक और यहाँ पे गुण है उत्प्लावकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्प्लावकता की यहाँ पे बस मेनली यहाँ पे एक बात करी गई है कि कुछ पदार्थ अगर जल में डाले गए तो वो जल में घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं। तो उत्प्लावकता मेनली अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए, देखिए उत्प्लावकता की अगर डिफिनेशन के बेस पर देखा जाए तो कुछ तरल पदार्थ, चाहे वो द्रव हो या फिर गैस हो, ठीक है, इनमें अगर हम किसी भी वस्तु को डालेंगे या उसमें डुबोएंगे तो क्या होता है कि इसका जो नियम है वो ये कहता है कि अगर वो तरल पदार्थ उसको ऊपर की तरफ, यानी कि हम उसमें अगर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो कोई फोर्स लगा रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्प्लावकता। इसी के कारण कुछ वस्तुएँ जो होती हैं जिनका मतलब यहाँ पर घनत्व का भी काफ़ी रोल है, ठीक है, तो कुछ वस्तुएँ होती हैं जो पानी में डालने पर ऊपर की सतह पर, पानी की सतह पर तैरने लग जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो डूब जाती, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने ये सीख लिया कि पदार्थों को अपने भिन्न आकार या आकृति तथा गुण हो, मतलब पदार्थों के भिन्न आकार भी होते हैं, उनकी आकृति भी होती है, उनके गुण भी होते हैं, तथा इनके जल में, जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के जो ढंग हैं उनमें भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीके के ये मिश्रित होते हैं। वे जल में तैर या डूब भी सकते हैं अथवा पारदर्शी या पारदर्शी और पारभासी भी होते हैं। तो पदार्थों का समूहन उनके गुण में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।